इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहब, कमिश्नर साहब, दिल्ली पुलिस के ऑफिसरों, सिपाहियों, आज की परेड में हिस्सा लेने का मुझे मौका मिला और आप लोगों को मिलने का मौका मिला, इसलिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। प्रथम तो जिनको जो अच्छी कामगिरी बजाई उनके लिए जो मेडल दिए गए, इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारा मुल्क स्वतंत्र हुआ उसके पहले जो पुलिस का काम हो रहा था वो इस प्रकार का था कि जिसमें लोगों के साथ काफी झगड़े में पड़ना पड़ता था और जो सल्तनत का हुक्म उठाना पड़ता था उसमें लोगों के साथ प्रेम और मोहब्बत के बदले में लोगों की इतराजी उठानी पड़ती थी। सारे मुल्क में पुलिस का नाम एक तरह से बदनाम होता रहा और अभी तक वो चीज चली आ रही है, क्योंकि बहुत वक्त से चली आई जो चीज है जल्दी जल्दी जाती नहीं है। तो एक तरह से पुलिस की इज्जत या प्रतिष्ठा जिस प्रकार की होनी चाहिए इस प्रकार की नहीं है। अब हमें इस चीज को बदलना है। लोगों को अपनी रीत बदलनी है, पुलिस को अपनी रीत बदलनी है। कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत पहले तो अपनी पुलिस के पर रहती है, क्योंकि मुल्क की या तो जिस शहर में पुलिस हो उस शहर की सुख शांति का मुख्य आधार उनकी पुलिस पर रहता है और जब और सब चीज उसके पीछे है। जहाँ सुख शांति नहीं है वहाँ सुख नहीं है। तो शांति का काम, शांति रखने का काम पुलिस का होता है। हमें हमारे शहर में कभी फौज का उपयोग न करना पड़े इस तरह से काम लेना चाहिए, क्योंकि फौज हमारे मुल्क की जो सीमा है उसकी रक्षा करने के लिए या कोई हमारे मुल्क पर हल्ला करे तो उसकी रक्षा करने के लिए बुलानी पड़े। लेकिन हमारे शहर के या हमारे मुल्क के हमारे भाई बहनों पर फौज का उपयोग करना पड़े तो हमारे लिए शर्म की बात हो जाए। इसलिए हमें पुलिस से काम लेना चाहिए। तो पुलिस का काम अच्छा तो तब हो सकता है कि जब हमको लोगों का पूरा दिली सहयोग मिले, और सहयोग लोगों का हमें चाहिए। तो इसी ढंग से हमें काम करना कि जिससे हमको सहयोग प्राप्त हो, वो तब होता है कि जब हम लोगों का प्रेम संपादन करें।
लोगों में पुलिस की इज्जत बढ़े, उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, वो पुलिस के वर्तन पर रहता है। क्योंकि यदि पुलिस जनता की सेवा करने के लिए रखी है तो जनता का प्रेम संपादन करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। चोर डाकू और गुनहगार लोग, उसके पर तो अपना पुलिस का काम जो है वो कुछ सत्ता से या हुक्म से चलाना पड़ता है, लेकिन जो गुनहगार नहीं है उनके साथ हमारा बर्ताव इस तरह से होना चाहिए कि सब लोग ये समझ जाए कि हमारी पुलिस है, ये हमारे स्वयंसेवक है, ये हमारी रक्षा करने वाले हैं, और जब कोई बुलावे तब तुरंत फौरन हम लोग चले जाते हैं और जो फरियाद हो उसका निकाल करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन गुनहगार के भी साथ काम लेना पड़े तो उसके साथ भी हमारी जबान गुनहगार की जबान की नकल न करे। गुनाह करने वाले भी हमारे लोग हैं, वो हमारे में से गलत रास्ते पर चले गए भूले भटके लोग हैं, लेकिन क्यों गुनाह करते हैं वो हम सोचे तो कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको गुनाह की आदतें ही पड़ गई है, वो पागल लोग हैं। लेकिन जिसको गुनाह की आदत नहीं है वो हाड़मारी के वजह से, दुख के वजह से और ऐसे अनेक कारण जिसके लिए समाज भी जिम्मेवार है, उससे वो धोखे में पड़ गए, गलत रास्ते चले, उसको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश जो सरकार है उसकी रहती है, उसमें आपको साथ देना। तो इस मौके पर भी गुनहगार को पकड़ना हो, उसमें गुनहगार कुछ भी करे तो हम हमारी मर्यादा न छोड़े और बहुत सफाई से, सलूकाई से, मजबूताई से काम ले। ये पुलिस का काम है। ये स्वतंत्र भारत में हमारी पुलिस की प्रतिष्ठा इस प्रकार बढ़े और आप जनता का प्रेम संपादन करें, इस तरह का काम सीख ले। क्योंकि मैंने कहा दिल्ली शहर की प्रतिष्ठा, उनकी पहली तो शांति कितनी है, सरलता कितनी है, उसके पर रहती है, वो दिल्ली की पुलिस पर आधार रखती है। दिल्ली ये राजनगर है, हिंदुस्तान की कैपिटल है, उसमें राजनगर को छाजे शोभे इस प्रकार का हमारा बर्ताव होना चाहिए और इस ढंग से हमें काम लेना चाहिए, चाहे बड़े हो छोटे हो और गरीब हो तवंगर हो, कोई कौम का हो, किसी के साथ जो काम लेना पड़े तो किसी प्रकार का भेदभाव रखे सिवाय सबके साथ, वो सब हमारे ही है और उनकी सेवा करने के लिए हम है, इस प्रकार का भाव से, इस प्रकार का वर्तन से हमें काम लेना है। और यदि दिल्ली की पुलिस नमूनेदार बन जाए या बनना चाहिए, क्योंकि दिल्ली राजनगर है, तो पहला प्रथम हमारा धर्म है कि हम सारे हिंदुस्तान के पास एक नमूना रखे कि दिल्ली की पुलिस बहुत अच्छी है, जैसी दुनिया में लंदन की पुलिस की छाप है और सब सारे इंग्लैंड की प्रजा, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं वो भी उनकी तारीफ करते हैं। इस प्रकार हमारी राजनगर की पुलिस इस प्रकार की होनी चाहिए, इस प्रकार का उसका बर्ताव होना चाहिए, इस प्रकार की सारी उसकी रैनी करनी होनी चाहिए। काम मुश्किल है, आसान नहीं है, मैं जानता, बहुत
मुसीबत में काम करने का है, क्योंकि मुल्क भी मुसीबत में से गुजर रहा है। हमारी पुलिस उसके पर जैसे ही हमारा मुल्क का टुकड़ा हुआ, उस पर उस समय उसका भी टुकड़ा हुआ और उसको भी चोट पूरी लगी, और जो मुल्क में जहर फैल गया था उसके असर भी हुई। अब ये चीज जैसे मुल्क में से चली जा रही है, इस प्रकार आप में से कोई के पर उसका स्पर्श नहीं रहना चाहिए। यदि पुलिस फोर्स में किसी प्रकार का भेदभाव रह जाए, कोई कौम के पर जो हमारे मुल्क में रहते हैं उसके पर किसी प्रकार का भाव अभाव का दोष रह जाए, तो पुलिस का बदनाम होगा, और पुलिस का बदनाम हो तो उनकी सरकार का बदनाम होता है, और स्वतंत्र मुल्क में सरकार का बदनाम हो तो सारी कौम का बदनाम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मैंने जो चंद बात कही है उसके पर ध्यान रखेंगे, सोचेंगे और इसी ढंग से काम लेने की कोशिश करेंगे।